देश में फिलहाल त्योहारों का सीजन चल रहा है। नवरात्रि खत्म होने के बाद अब दिवाली, धनतेरस, भाई दूज और छठ भी आने वाले हैं। त्योहारों में आम आदमी जमकर शॉपिंग करता है। नए कपड़े, ज्वेलरी से लेकर साज सज्जा का सामान और सोना तक मार्केट्स में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यही नहीं, लोग ई कॉमर्स साइट्स पर लगे फेस्टिव सेल का भी भरपूर फायदा उठाते हैं। ऑफलाइन स्टोर्स भी त्योहारों में बड़ी छूट और ऑफर्स देते हैं जो लोगों को शॉपिंग के लिए लुभाते हैं। कई बार ऐसे ऑफर्स या डिस्काउंट्स देखकर हम अपने मन को मार नहीं पाते और जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं, जिसके बाद जेब से पैसे निकलने या क्रेडिट कार्ड का मोटा बिल आने पर हाथ मलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे में यहाँ हम आपको बताएंगे कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका काम भी बनाएंगे और फिजूल खर्चे भी बचाएंगे। शॉपिंग करने से पहले आपको एक बजट तैयार करना चाहिए जिससे आपकी मंथली इनकम ना बिगड़े। इससे आप फिजूल खर्चों से बच जाते हैं और अपने लिए केवल जरूरी सामान ही खरीदते हैं। इसके अलावा आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा अलग से शॉपिंग के लिए रख सकते हैं ताकि आप कोई एक्स्ट्रा खर्च ना करें। कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं वो तमाम वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएगा और फेस्टिव सीजन में सब पर अलग अलग ऑफर्स भी मिलेंगे। ऐसे में अपनी मन पसंदीदा चीज लेने से पहले 2-3 वेबसाइट्स पर जरूर चेक करें और फिर कंपैरिजन करें। कई बार आपको सेम प्रोडक्ट बेहद ही किफायती दाम में मिल जाता है, तो जहाँ भी बेहतर डील मिले उसे ही फाइनल कर दें। फेस्टिव सीजन में कई ई कॉमर्स साइट्स तगड़े ऑफर्स देती हैं। इन्हीं ऑफर्स का फायदा उठाकर आप सस्ते में सामान खरीद सकते हैं। शॉपिंग के लिए कभी भी अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल न करें। बेहतर ऑफर और डिस्काउंट हमें एक्स्ट्रा खर्चों के लिए लुभाते हैं। ऐसे में शॉपिंग करते समय समझदारी से खर्च करें और रिवॉर्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट, कैशबैक जैसे ऑप्शंस के साथ अपने पैसों की बचत करें। क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर फेस्टिव सीजन में कई तरह के ऑफर्स आते रहते हैं। इन ऑफर्स का पता कर ले ताकि आपको कम पैसों में बेहतर डील मिले। कार्ड पर आप नो कॉस्ट ईएमआई पर भी बेहतर डील्स कर सकते हैं।